गाइस वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पी। कैसे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्या है, छोटी दीपावली है यार। दीपावली के दिन आते हैं ना तो अब वो सुकून नहीं आती है जो बचपन में आती थी। खैर, बिहार पुलिस रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि पेपर में दिया गया तो फिर रिजल्ट अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई, और बहुत ही चिंता खाई जा रही है क्या होगा। दीपावली भी अच्छे से नहीं मनाया जा रहा है, छठ भी नहीं अच्छे से मनाया जा रहा है। एक स्टूडेंट का बहुत ही भावुक कमेंट था कि मेरे पापा बूढ़े होते जा रहे हैं, मैं घर के इकलौता मतलब लड़की हूँ, इकलौती लड़की हूँ जो मेरे आखिरी उम्मीद हूँ, और मेरे घर में ना तो भाई है बहन है मेरे अलावा, मेरा सफल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस देखो, जो स्टूडेंट है उसका सफल होना इम्पॉर्टेंट ही रहती है, लेकिन किसी को लगता है कि मुझे ज़रूरत है, किसी को लगती है मेरी दुख सबसे बड़ी है। देखो, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सबको लगती है कि मेरी दुख बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब मेरे दुख इतना किसी को दुख नहीं है। इस दुनिया में जब तक आप रहोगे ना, तब तक आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात याद रखिए, किसी न किसी मोड़ पे आपके लिए सुख खड़ी होंगी और दुख कुछ दिन के लिए हट जाएगी, सुख आ जाएगी। देखो, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है तो कुछ समय के बाद इंटरवॉल होगी और फिर आपकी लाइफ खुशी में बदल जाएगी। कहते हैं ना कि बेटी और गाय एक जैसी होती है, गाय को आप बांध दो तो फिर वहाँ से गाय कभी नहीं खुलती है, जब तक आप नहीं खोलते हो। उसी तरह बेटी होती है। देखो, हाँ, शादी के बाद एक बंधन होती है मंगलसूत्र और सिंदूर का, और रिश्ते का, डिसिप्लिन का, संस्कार का। लेकिन नौकरी के बाद सारे रिश्ते में आप बंध जाते हो, घर की जिम्मेदारी, बच्चे की पढ़ाई, पापा का इलाज, भाई का नखरा, बहन का नखरा, बहन को शॉपिंग कराना है, शादी। देखो, एक हाउसवाइफ, मैं ये नहीं बोली, मेरी माँ भी हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ अच्छी नहीं होती, मैं ये नहीं बोली हूँ। हाउसवाइफ का जिम्मेदारी ये होती है, जिम्मेदारी कि आपको खाना बनाना है, एक दूसरे को खुश रखना है। बाहर से आपके जो पति हैं, आप जिस पे डिपेंड हो, वो ला के देंगे, लेकिन नौकरी करने वाली लड़की में दोनों होती है। उन्हें खुद के खर्चे और सामने वाले के खर्चे नखरे खुद उठाने होते हैं और कमाने भी पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हाउसवाइफ अच्छी नहीं होती है, हाउसवाइफ बहुत अच्छी होती है। जो लड़कियाँ नौकरी कर रही है वो सोच रही है कि काश मेरा पति कमा के ला के देता और मैं खाना बना के खाती सोती, लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ। मैं, इट्स माय प्लीजर, ये मेरी सौभाग्य है कि मैं कमा रही हूँ और किसी को मैं खुश भी रख सकती हूँ, मतलब परिवार हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो मुझे अपने आप पे प्राउड होता है। तो मुझे हाउसवाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन छुट्टी रहेगी तब। रेगुलर जो बोलोगे सुबह उठो, कढ़ाई धो, खाना बनाओ, मुझसे नहीं होगा। तो बिहार पुलिस स्टूडेंट के लिए मेरा यही एडवाइस है कि दीपावली मना लीजिए। ये दीपावली में आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं बोल रही थी कि नौकरी जब आप करने लगते हो ना, तो आप खुद नौकरी छोड़ के जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि अगर आप बिना परमिशन का कहीं गए तो आपकी वेतन रोक दी जाएगी, वेतन कट जाएगी, 3 से 4 महीना नहीं मिलेगी। और जिनको पता है कि भाई साहब मेरी सैलरी से मेरे घर की जिम्मेदारी चल रही है, घर की खर्चे चल रही है, वो तो ये गलती नहीं करते हैं, वो त्याग कर देते हैं। यार दीपावली नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, पैसे भेज देते हैं। पैसे से मम्मी पापा तो खुश होंगे ना, पैसे से सारी जिम्मेदारी। लेकिन मम्मी पापा का जो आखिरी कॉल करते वक्त सवाल रहता है कि बेटा घर नहीं आएगी, तो मम्मी को समझाना पड़ता है, पापा को समझाना पड़ता है कि अगर घर आए तो फिर। तो इसीलिए छुट्टी की कमी नहीं है, छुट्टी पुलिस में है और 36 छुट्टी है, लड़की को एसएल भी मिलता है और 2 रोज़ का, तो छुट्टी का कोई कमी नहीं है। लेकिन यही है कि जब आपको सबसे ज़्यादा घर जाने का मन कब करता है, कि जब फेस्टिवल हो,
मिस करते हैं। पता है जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मैं यही प्रे करती थी गॉड से कि मेरा कहीं भी लग जाए, कहीं भी लग जाए, लेकिन अब लगता है नहीं यार। क्या हुआ? तो यही लगता है, यही होता है दुनिया में। चलो ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, देखो रिजल्ट कब आता है। छठ दीपावली के बीच में ही आएगी और रिजल्ट अचानक ही आती है, आप लोग ये बात माइंड में रख लीजिए। रिजल्ट का इंतज़ार आप लोग से ज़्यादा हम भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भी एक दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए इतना, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट।